Sir. सोना लेक संजू आ जा। संजू सभी लोगों को जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हम सब, और इसमें सबका सहयोग जरूरी है, सभी सामाजिक संगठनों का, सभी लोगों का। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सभी घरों से लोग आकर के, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का निवेदन था, उसके अनुरूप आकर के सब लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कोई थाली बजाकर, कोई शंख बजाकर, कोई अलग अलग तरीके से। यहाँ हमारे बीच डॉक्टर सोनल भी हैं। सोनल एक मिनट, यहाँ हमारे बीच डॉक्टर सोनल जी हैं जो जस्ट कुछ घंटे पहले अपनी ड्यूटी करके आई हैं और एम्स रायपुर में ये काम करती हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और जस्ट कुछ घंटे पहले ये अपनी ड्यूटी करके आई हैं, और इनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और ऐसे जितने भी मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सारे जितने काम करने वाले लोग हैं, सबके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस कोरोना से सबको मिलकर हम सबको लड़ना है।
और हम सबकी सतर्कता ही इस कोरोना को हराएगी, यह बात विशेष रूप से मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, उसके अनुरूप हम अपने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कोरोना से लड़ेंगे। और भारत कैसे 130 करोड़ के देश में अभी भी जो कोरोना की स्थिति है, मैं कहूँगा कि काफ़ी नियंत्रित है, और केवल आप हम सबके प्रयासों से ही संभव हो पा रहा है। और अगर हम कोरोना को हरा पाते हैं तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चीन अमेरिका जिस कदर इससे लड़ रहे हैं, उस परिस्थिति में अगर हम इससे जीतते हैं तो हमारे भारत के लिए, भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से और विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी और जन धन के हानि के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी विजय होगी और एक विश्व युद्ध जीतने जैसा चीज होगा। इस दृष्टिकोण से आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, मैं ऐसे वॉरियर्स को जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इसके साथ ही बस्तर में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको भी मैं तन मन धन से, जो देश के लिए उन्होंने समर्पण किया है, जो बलिदान किया है, उनको दिल की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। उनके परिवार को मैं पूरे देश उनके साथ है, हर व्यक्ति साथ है, इस बात को मैं रखना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।